इंपॉर्टेंट चीजें आती है। भिगनदी एक का एक कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के अनुसार भिगनदी के कुछ पोजिशन से इसकी प्लेसमेंट को देखा जाता है। जैसे सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर हमें जीव कारक का विचार करना है तो हम गुरु से विचार करेंगे। भिगनदी के अंदर प्लैनेट को हम पकड़ते हैं उसके एलिमेंट से, उसके कारक से, उससे हम उसका विचार करते हैं। जैसे गुरु के केस में एक पत्री भी हम लगा के देखेंगे, पहले कंसेप्ट को एक बार आप समझ लें। और कुछ चीजें मेरे पास है वो मैं आपको स्लाइड्स मतलब शीट्स के रूप में शेयर कर दूंगा, पिक्चर्स के रूप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप नोटिंग कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं गुरु की, गुरु यहाँ पे जीव कारक ग्रह है, तो अगर व्यक्ति के अपने विषय में हम बात करेंगे तो हम गुरु से गणना करेंगे, जुपिटर से गणना करेंगे। अगर किसी के प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे तो शनि से गणना करेंगे। अगर किसी की एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो हम बुध से गणना करेंगे। जीवन में समस्याओं की बात करेंगे तो हम राहु केतु से गणना करेंगे। माता पिता के बारे में बात करेंगे तो सूर्य चंद्रमा से गणना करेंगे। अगर लग्जरी जीवन में, लग्जरी जीवन साथी या मेटलिस्टिक चीजों की बात करेंगे तो हम शुक्र से यहाँ पे गणना करेंगे। भिगुनंदी के अंदर जो गणना करी जाती है वो कंजक्शन माने जाते हैं। जब कोई प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट से 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 में बैठा होता है। आई रिपीट दिस लाइन, ये लाइन लिख लें, महत्वपूर्ण लाइन है ये, भिगुनंदी का बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जब कोई प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 में बैठा होता है तो उसको इसका इफेक्ट माना जाता है। ये इसका इफेक्ट, इसका कंजक्शन की तरह से इसके इफेक्ट को देखा जाता है। विगुणवंती के अंदर एस्पेक्ट नहीं ऐसा होता, उसमें कंजक्शन ही माना जाता है। उस कंजक्शन के परसेंटेज अलग अलग देखी जाती है। तो कोई प्लैनेट किसी से खुद साथ बैठा हो, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें भाव में बैठा होगा तो इसको कंजक्शन माना जाता है। अब यहां से गणना करेंगे कैसे, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि अपने से, जैसे अब गुरु यहाँ पे, गुरु आप जीव कारक है, ठीक है, जीव कारक से 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 इसमें जो बैठे होंगे ग्रह, जो यार वो गुरु से कंजेक्ट में माने जाएंगे। भिगुनंती के अंदर 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 के अंदर जो प्लैनेट बैठते हैं उस प्लैनेट से वो कंजेक्ट माने जाते हैं। उनका प्रभाव अलग अलग होता है, वो अलग बात है। और उसको तो कैसे रीड करना है, रीड करने का सिंपल, बड़ा सिंपल तरीका है। अगर तो दोस्ताना है तो वो फेवरेबल है, अगर वो दोस्ताना नहीं है तो उसके अंदर दिक्कत पैदा कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल रूल है। जैसे इस केस के अंदर आप देखोगे तो इसके साथ 12वें भाव में कोई नहीं है, 11वें भाव में शनि है। शनि गुरु के साथ 11वें भाव में बैठा हुआ है। इसके शनि और गुरु की मैत्री संबंध अगर सम माने जाते हैं, शनि और गुरु की मैत्री संबंध सम माने जाते हैं, तो गुरु के केस में जब हम गुरु की बात करेंगे इनके चार्ट के अंदर, शनि जो है स्पोर्ट सिस्टम में यहाँ पे बैठा हुआ है। इस व्यक्ति को, शनि जी को गुरु के पीरियड में शनि जो है स्पोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। वो इनको अपने काम के अंदर, इनको अपने अपने मानसिक तरीके में, या इनको अपने में सेल्फ एक्टिविटी में, सेल्फ ग्रोथ में, नॉलेज के अंदर, ज्ञान में, डेप्थ स्टडीज के अंदर, विजडम का कारक गुरु है। जो गुरु के कारक तत्व है उसको शनि सपोर्ट करेगा, और शनि सपोर्ट करेगा शनि के तरीके से। शनि कैसा, शनि का तरीका क्या है, शनि का तरीका है निरंतर डिसिप्लिन, तो उस तरीके से सपोर्ट करेगा। ये स्पोर्टिव प्लान यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसके विषय में थोड़ी और बात करेंगे, थोड़ा ये मैंने आपको बताया, नंबर बताया, ये आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भृगुनंदी का। इसके अलावा भृगुनंदी के अंदर जो प्लैनेट कंजेक्ट में होते हैं वो 100%, यानी कि जो प्लैनेट एक नंबर में होते हैं वो 100% इफेक्ट डालते हैं कारक प्लैनेट के ऊपर। जो प्लैनेट 2, 5, 9 में बैठते हैं वो कंजेक्ट में, इसमें कंजेक्ट माना जाता है, इसमें आस्पेक्ट को नहीं देखा जाता है। इसमें ये जो हम नॉर्मली एस्पेक्ट बोलते हैं, यहाँ पे कंजक्ट ही बोलते हैं। जो प्लैनेट 2, 5, 9 में बैठते हैं वो 75% इफेक्ट डालते हैं कारक प्लैनेट पे। जो प्लैनेट 3, 7, 11 में बैठते हैं वो 50% इफेक्ट डालते हैं कारक प्लैनेट पे। और जो प्लैनेट 12 में बैठता है वो 25% इफेक्ट डालता है कारक प्लैनेट पे। तो
अगर कंजेक्ट में बैठा है, एक नंबर में बैठा हुआ, सात में बैठा है, तो 100% इफेक्ट डालेगा। अगर वो 2, 5, 9 में है तो 75% इफेक्ट डालेगा करेक्ट पे। 3, 7, 11 वाला 50% इफेक्ट डालेगा करेक्ट पे। और 12 में बैठा प्लैनेट 25% इफेक्ट डालेगा करेक्ट प्लैनेट पे।